ओके तो स्वागत है पावलोग आपका एक और GTA San Andreas के धमाकेदार एपिसोड के अंदर। तो अपन ट्रुथ के साथ आ चुके हैं यहाँ एक गैराज के अंदर। ओके तो ट्रुथ ने अपने को ये नया वाला गैराज दिलवाया। ओके तो सीजे को ये वाला गैराज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना घटिया गैराज भाई साहब, देखो इतनी बड़ी सिटी और ये देखो ऊपर से इसकी तो छत भी आधी से ज़्यादा मेरे को आई थिंक सो लग रहा है टूट पड़ी है। बाहर से खिड़कियों पे वो देखो खिड़कियाँ भी टूटी पड़ी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहीं पे अपने को अपना गैराज स्टार्ट करना पड़ेगा और उस गैराज के लिए अपने को बंदे भी चाहिए होंगे जो इस गैराज को सुधार भी सके और इस गैराज के अंदर काम भी कर सके। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि जो भी अपन गैराज लेते हैं ना वो कोई काम या बिजनेस करने के लिए थोड़ी लेते हैं। Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are. Okay, अपन ये वाला जो भी गैराज है ना वो अपन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अपने को ये गैराज अच्छा लग रहा है या बिजनेस करना है। अपने काले धंधे होंगे इधर से, अपन काले धंधे करने वाले हैं भाई। सीधी सीधी बात है, सीधे कभी सीधा और एकदम शरीफ काम तो करेगा ही नहीं और ना उसको लोग करने देंगे। जो इसके पीछे कुत्तों की तरह पड़े हैं ना वो लोग इसको ऐसा काम करने ही नहीं देंगे। ओके कोई बात नहीं है। ओहो इनको तो वाइब मिल चुकी है। ओके कोई नहीं, ट्रुथ ने यहाँ पे अपनी योगा की क्लासेस शुरू कर दिए। लेकिन अपन अपने को क्या करना है, अपने को मिशन स्टार्ट करना है। ओके तो चलते हैं ट्रुथ के साथ। ट्रुथ अपने को कुछ बंदों के पास लेके जाएगा जहाँ पे इस गैरेज को चलाने के लिए अपने को जो बंदे चाहिए वो अपने को मिलने चाहिए और उसके बाद में अपन बाहर की ओर जाएंगे। But the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Okay, Jethro ke paas chalte hain apan sabse pehle. Get inside the car. Okay. Chalo. Gaddi ko khen karke chalate hain. Hat jao bhai. Ek to sala itni bheed hai na poocho mat. Okay, ye wale bhaiya ruke hamare liye. Thank you bhaiya, aap hamare liye ruke. To kahan se jana hai mere ko? एक तो सारा नई सिटी के अंदर मेरे को तकलीफ इतनी है ना। एक तो मैंने पहले वाली सिटी का रास्ता याद किया, इन लोगों ने नई सिटी के अंदर डाल दिया मेरे को। अब सर ये गए। ओके तो कोई नहीं, अपन छोटा मोटा गैराज खोल के छोटा मोटा बिजनेस तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, वही सही भाई। लेकिन अब अपना गैराज होने के बाद अपने को क्या करना है पता है? अब अपने को अपनी गाड़ी अगर ख़राब हो जाएगी तो अपने पास गैराज है, फ्री के अंदर तैयार करवा लेंगे। छोड़ो तो देने के अपने को जरूरत नहीं। ओके यहाँ से रास्ता ही नहीं है, रास्ता किधर है रे भाई? ना मेरे को सही ढंग से गूगल मैप कभी समझ में आया, ना सही ढंग से मेरे को घंटा ये वाला रास्ता पता। कहाँ से चलूँ मैं? ओके तो यहाँ से चलता हूँ मैं। वो रहा। ओके ये एक्स का लोगो घूम रहा है, यहाँ से चलता हूँ। ओके ओके सीधी तो मैंने कभी घुसरी नहीं कर दी। ओके तो ये बंदा यहाँ पे, ये बंदा गाड़ी तैयार कर रहा है। ओके मैकेनिक है ये भी अपने को चाहिए होगा अपने इंग्रेज के अंदर। ओके इसको हॉर्न दे दिया अपन ने। ओके जय हो बेटे, बाहर आ मेरे बेटे। ओके इसको अपन जॉब देने वाले हैं। ट्रुथ के भी इतने मतलब, मैंने तो इसको एक किसान समझा था, इसके तो भाई सैन फेरो के अंदर बहुत सारे बंदे हैं भाई, क्या बात है। ओहो क्या बात है, एक्स का लोगो क्या घूम रहा है भाई। ओके तो ये वाली चीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि इसी प्रकार के न्यू धमाकेदार एपिसोड आपको मिलते रहें। और तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तुम सब्सक्राइब करते ही नहीं हो भाई, ना वीडियो को लाइक करते हो भाई साहब, प्लीज लाइक कर दिया करो यार। ओके तो यहाँ चलते हैं। ओके सीधा डिवाइडर से चढ़ाएंगे अपन कभी। ओके अब अपने को हॉस्पिटल जाना है, क्यों क्यों? Why we are going in hospital? Hospital और गैराज का कोई भी, मेरे को सच्ची में बता दो, हॉस्पिटल और गैराज का क्या कॉम्बिनेशन है जो मेरे को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है भाई? क्या कर सकते हैं, अपने को तो जाना पड़ेगा, जो इंस्ट्रक्शन ये गेम दे रहा है अपने को वो फॉलो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं चलते हैं, चलना ही पड़ेगा भाई। एक तो मेरे को रास्ता घंटा नहीं पता चल रहा है, ऊपर से ये लोग मेरे को भटका रहे हैं सिटी के अंदर। हट जाओ भाई हट जाओ। ओके यहाँ से चलते हैं भाई साला, अभी मैं पुलिस को ठोकता वो मेरे पीछे कुत्तों की तरह बढ़ जाता और फिर मैं घंटा का कर पाता अपना मिशन।
हट जाओ चौम लोग हट जाओ। ये हॉस्पिटल अगले वाले मोड़ में, ओके यहाँ से है, यहाँ पर अपना हॉस्पिटल, ओके हॉस्पिटल आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा वाला बंदा मिलेगा अपने को। एम्बुलेंस खड़ी है, इधर पर कुछ नहीं करने आए तो फिर क्यों आए ऐसा? अब ऐसा लेट रुक, तू मेरे से पिट पिटा जाएगा भाई। क्यों आए हैं हम लोग इधर जब अपने को कुछ नहीं करना है इधर? ओके एक वेन गई है आई थिंक, सो इसके अंदर से कोई बंदा आएगा। ओके एक बंदा है वो हॉट डॉग वैन के अंदर काम करता है, उसको पकड़ना है। ये साले मेरे को इधर लेके ही क्यों आया तू फिर? आई थिंक सो इसका भी कोई काम होगा, तो साले मैं तेरा काम करने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ भाई। साले ट्रुथ तू मेरे से पिट पिटा जाएगा भाई, इतना कुत्तों की तरह मैं तेरे को लेटा लेटा के पीटूंगा ना, पूछ मत। तो अपन चलते हैं यहाँ हॉट डॉग वैन के पास। ओके वो रही हॉट डॉग वैन, यहाँ पे रोकते हैं भाई। यहाँ पे क्या मांझ रहा है? हॉर्न 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 टाइप टू हॉर्न साउंड आएगा। Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? ओके बेकार चल रहा है इसका बिजनेस, तो इसको भी अपन अपने बिजनेस के अंदर डाल लेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने सपनों के लिए किसी को हायर नहीं किया ना, तो कोई दूसरा आपको अपने सपनों के लिए हायर कर लेगा। तो अपन इनको अपने सपने के लिए हायर कर रहे हैं इन बंदों को। ओके तो सीजे ने बता दिया। ओ भाई साहब, ये भाई साहब वो तोड़ो फोड़ो निकला रहे, इसने तो खंभा ही तोड़ दिया। ओके तो वो अपने को गैरेज के अंदर मिल जाएगा, तब तक अपन एक और बंदे को ढूंढने के लिए जाते हैं। चलो भाई तो चलते हैं अपन फटाफट से उस बंदे के पास। अबे भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अबे किसने मारा मेरे को भाई? पुलिस वाले आपस में भिड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह मर रहे हैं, और ठोक मेरे को दिया। मैं तो इस सिटी के अंदर भी नया हूँ भाई, मैंने तो किसी से पंगा भी नहीं लिया, मेरे तो गैंग भी नहीं है, मेरे तो गैंग ही साली वो ग्रू स्ट्रीट उधर थी। मेरे को क्यों पीटा इन लोगों ने, मेरी गाड़ी तोड़ दी सालों ने, मैं तो एकदम सुरक्षित लेके जाने वाला था अपनी गाड़ी को। ये साला कुछ भी चल रहा है, NPC पागल हो चुके हैं इसके। ओके तो अपन चलते हैं, ये कौन सा आइकन है भाई? ये पुलिस का आइकन है। अपन पुलिस स्टेशन जा रहे हैं काहे को? साला एक तो वो 10 पेनी से मुश्किल से मैंने पीछा छुड़वाया, और ऊपर से ये गई गड्डी नीचे। ओके 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 तो पिकअप इस गाड़ी के अंदर एकदम घटिया भाई, घंटा का पिकअप है, फिर भी इस गड्डी को मेरे को ऊपर की साइड में चढ़ाना पड़ेगा भाई। साला मैं भी कहां पर फंस गया। ये भाई फाइनली चढ़ गई, शुक्र है भगवान का भाई। ओके तो यहां से चलते हैं अपन पुलिस स्टेशन पर। यहां पे क्यों लेकर आए ये मेरे को? ओके अगला बंदा अब बताएगा, ये बताओ क्या बात है। ओके नेक्स्ट बंदा है जो कि जीरो है, और वो को इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आई थिंक सो काम करता होगा, और उस बंदे को अपने को लेना है। इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है अपना गैरेज के अंदर वायर की प्रॉब्लम भी हो, ऐसा आई थिंक सो। साला घटिया गैराज दे दिया मेरे सीधे को यार, कोई बात नहीं। तो अपन जीरो को लेने के लिए जाते हैं और इसको हीरो बना देंगे अपन। ओके तो ये अपन ने जेथोन को यहाँ से उठाया था, वो वाला इलाका अपन पार कर रहे हैं। ओके तो अपन चलते हैं एक बात, और गाड़ी अपनी पूरी तरीके से ठुक चुकी है भाई। यहाँ से चलना है कि नहीं चलना है भाई? मेरे को घंटा पता नहीं है रास्तों का भाई। नीचे के साइड में चलना है। ओके रेलवे स्टेशन। ओके भाई गाड़ी मत फटफटा जाना भाई। ओ भाई नहीं फटी। ओके ये डेयरिंग के लिए तो एक लाइक बनता है भाई, क्या कूदा ही है मैंने गड्डी को। अभी हट जा। ओ ये तो अपना गैरेज है रे बाबा। ओके गैरेज के पीछे ही है वो लोग, क्या बात है। गैरेज के पीछे दुकान खोल रखी है साले ने। पीछे तो नहीं है भाई, पूरा घूम के जाना पड़ता है भाई, इतने भी पीछे नहीं। ओके यहाँ से चलते हैं अपन, और ये आ गई शॉप। ओके अबे दूर हटना साले, मेरे को मिशन कर दे। पीछे साला बीच में कहाँ रहा है?
ओके ये बंदा हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। अह छोटू हेलीकॉप्टर क्या बात है। ये साला ट्रूथ मतलब ऐसे तो आध्यात्मिक बंदा बना हुआ है और ऐसे ये मतलब सिटी के इतने सारे बंदों को जानता है, पूछो मत ना। बंदा मतलब इलेक्ट्रीशियन को जानता है, गैरेज में काम करने वाले को जानता है, सबको जानता है भाई ये। एक तो कोई बात नहीं, इसको लेकर के अपन गड्डी के अंदर भर लेते हैं और चलते हैं अपने गैरेज के अंदर, वहां पे इसको काम करेंगे अपन, गधा मजदूरी करवाएंगे इसे। चल बेटे, ये सब के सब बेचारे बेरोजगार नल्ले हैं, इनको कोई काम नहीं है, मेरी तरह खाली बैठे हैं, ऐसे ही बैठे पड़े हैं, ऐसे ही कोई काम धंधा नहीं, ऐसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं, ऐसे ही गैरेज के अंदर काम कर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं। ओके तो मैं फाइनली यहाँ से शॉर्ट कट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को भी कोई काम धंधा नहीं है अभी। ओके यहाँ पे आ चुके हैं। ओके तो हॉट डॉग लेकर के एक बंदा भी आ चुका है जो हॉट डॉग के अंदर काम कर रहा था। ओके तो अपन चलते हैं अंदर, यहाँ पे अपन मिलाएंगे इन सबको भड़वे सीसर से। ओके इसको ट्रांसफॉर्म कर दे, एकदम बढ़िया बना देना, एकदम चकाचक नहीं बनाना भाई साहब, मैं सब की तनख्वाह काटूंगा भाई। ओके तो इन सब की मुलाकात हो चुकी है। ओके काम करो, यस ये अच्छी बात कही साले। इधर क्या तुम लोग फोकट की तनख्वाह लेने आओ, ये लो झाड़ू पकड़ो चुपचाप काम करो। ये क्या बात है सेंसर का, ये अच्छा यार भाई सब झाड़ू पकड़ा दिए सबको। ओके ओके तो ये वाला मिशन कंप्लीट होने वाला है और ये कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी डीलिंग और वगैरह वगैरह के बारे में समझा रही है कि अपने को और प्रॉपर्टी खरीद चाहिए फलानिया ढिमकानिया। साला मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मैं साला कई कई घंटा की प्रॉपर्टी खरीदूँ। साला $27,000 है, अभी एक प्रॉपर्टी खरीद जाऊंगा $30,000 की आएगी, मेरे तो पिछवाड़ा फटके ऐसे ही हाथ में आ जाएगा। ओके ये बंदे काम कर रहे हैं। ओके तो ये वाला मिशन कंप्लीट होने वाला है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी प्रकार के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब करते हुए जाना भाई साहब प्लीज, आई बेगिंग यू।